गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। आज असी चैप्टर 5 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर दी एक्सरसाइज 5.3 करनी है स्टार्ट। फर्स्ट सम आ साडे कोल सबट्रैक्ट दी फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द सैकेंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हुण नीचे सानू एक इक्वेशन गिवन आ 1/12 कोमा -9/12। इक्वेशन क्या गया वा कि सैकेंड विचों असी फर्स्ट रैशनल नंबर नो माइनस करना वा। सॉल्व करांगे। फर्स्ट सम आ साडे कोल 1/12 कोमा 9/12। हुण सबट्रैक्ट करना वा सैकेंड वाले विचों फर्स्ट नू सबट्रैक्ट करना। लिखांगे -9/11। सबट्रैक्ट का मतलब माइनस का साइन 1/11। हुण साडे कोल डिनोमीनेटर नीचे दोनों की है गया 12 आ ते सेम आ। इट मीनस साडा कितना एलसीएम आया 12। डिनोमीनेटर दोवें सेम आसी की लिखांगे 12। हुण जदों डिनोमीनेटर सेम होंदे असी न्यूमीनेटर नू की करदे आ ऐड करदे आ। की लिखांगे -9 -1। साइन देख लेना कि किहड़े साइन आ। हुण -9 दे नाल माइनस आ, सबट्रैक्ट करना उहदा भी साडे कोल माइनस आ। हुण 9 ते 1 कितने हुंदे आ 10। माइनस माइनस हो गए प्लस, 9 च 1 प्लस कीते 10/12। 9 वड्डी टर्म दे नाल किहड़ा साइन आ माइनस दा। हुण असीं इन्हां दोनां दी कटिंग करांगे 2 5 दा 10, 2 6 दा 12। साडा आंसर कितना आया -5/6। सैकेंड सम आ साडे कोल 1/4 कोमा 1/2। सेम सम नू फर्स्ट वांग असी सॉल्व करना वा। सबट्रैक्ट करना वा सैकेंड विचों फर्स्ट नू। की लिखांगे 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। हुण इन्हां दोनों के डिनोमीनेटर की ने अलग ने। इट मीनस 4 ते 2 का एलसीएम लिया तो साडे कोल एलसीएम कितना आया एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इक्वल 4 आया। असी की लिखिया 4 एलसीएम आ गया। उपर वाला न्यूमीनेटर कितना 1 मल्टीप्लाई। हुण डिनोमीनेटर साडे कोल 2 आ। 2 नू एलसीएम नाल डिवाइड किया, 2 नू 4 नाल डिवाइड किया कितना आया 2। उपर 2 की हो गया न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई माइनस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। डिनोमीनेटर कितना 4, एलसीएम भी 4 नू 4 नाल डिवाइड किया तो साडे कोल कितना आया 1 इक्वल 2 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया 1/4। हुण 2 च 1 माइनस कीते साडे कोल कितना आया 1/4 आंसर। सैकेंड सम आ साडे कोल द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 1/4। इफ 1 ऑफ द नंबर इज़ 1/2 फाइंड दी अदर। हुण सानू 2 नंबर दा सम दा मतलब हुंदा ऐड। 2 नंबर दा सम कितना गिवन आ सानू किहदे इक्वल आ 1/4 दे। एक नंबर सानू कितना वा 1/2 ते अगला नंबर अदर नंबर असी फाइंड करना। सब तो पहले ते असी लैट करांगे किहड़े 2 नंबर नूं असी लैट करांगे जिहदे इक्वल की आ 1/4। सॉल्व करेंगे लेट दी 2 रैशनल नंबर साढ़े कोल की है वा एक एक्स आ एक साढ़े कोल आ वाई। 2 नंबर असी लैट कर लिया एक साढ़े कोल केड़े आ एक्स ते वाई। हुण असी की करना सम करना एक्स प्लस वाई इक्वल केड़े आया 1/4 दे 1/4 दे। हुण उन्हां कही 1 ऑफ दी नंबर इज़ 1/2। इट मीनस एक्स साढ़े कोल कितना वा 1/2। हुण एक्स की जगह से की फिल किया 1/2 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू 1/4। हुण वाई नूं असीं एज इट इज़ लिखिया 1/4। 1/2 इधर पॉजिटिव दा राइट हैंड साइड खड़ांगे तो किहड़ा साइन आएगा माइनस 1/2। हुण असीं की कीता एलसीएम लैना क्योंकि डिनोमीनेटर साढ़े कोल की है डिफरेंट आ। एक 4 आ ते एक 2 आ। हुण एलसीएम लवांगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 2। 4 ते 2 का एलसीएम लिया तो साढ़े कोल कितना आया 4। हुण असी की करना उपर वाला न्यूमीनेटर साढ़ा कितना वा 1 मल्टीप्लाई डिनोमीनेटर 4 आ। उन्होंने एलसीएम नाल डिवाइड किया 4 नू 4 नाल डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई होएगा न्यूमिनेटर ना माइनस, न्यूमिनेटर कितना वन मल्टीप्लाई टू, डिनोमिनेटर टू नू एलसीएम ना डिवाइड किया, टू नू जो अं डिवाइड करा फोर ना तो साढ़े कोल कितना आएगा टू, वन नू वन ना मल्टीप्लाई किया वन, साइन किहड़ा माइनस का, टू नू वन ना मल्टीप्लाई किया टू ओवर फोर, हम टू चो वन माइनस किए साढ़े कोल आया वन ओवर फोर, टू वड्डी टर्म उहदे नाल किहड़ा साइन आ माइनस का, हम साढ़े कोल वाई कितना आ गया माइनस वन ओवर फोर। हुण असी जिहड़ा फाइंड करनी सी अदर दी वैल्यू साढ़े कोल कितनी हैगी माइनस वन ओवर फोर, दो नंबर का सम सानू इक्वल दिता सी वन ओवर फोर दे, ते एक नंबर साढ़े कोल कितना सी वन ओवर टू, हुण जिहड़ा असी फाइंड नंबर किया वो कितना आया वाई इक्वल माइनस वन ओवर फोर। थर्ड सम में साढ़े कोल वट शुड बी एडिड टू माइनस सिक्स ओवर 11 टू गैट टू ओवर 12, हुण असी देखना कि केड़े नंबर नू असी ऐड करना वा माइनस सिक्स ओवर 11 तो पहले, तो किहदे इक्वल करना इन्होंने दोनों नू टू ओवर 11 दी। असी हुण की करांगे सब तो पहले असी लैट करांगे वो नंबर जिन्हों माइनस सिक्स और 11 दे विच की करना ऐड करना, लैट दी एडिड नंबर की लैट करांगे इसी एडिड नंबर साढ़े कोल कितना वा एक्स आ, हुण असी उहनूं किहदे विच ऐड करना वा माइनस सिक्स ओवर 11 दे विच एक्स प्लस, हुण माइनस सिक्स ओवर 11 असी ब्रैकेट च लिखना क्योंकि उहदे नाल की लगा माइनस लगी हुई आ, माइनस सिक्स ओवर 11 इक्वल किहदे आया टू ओवर 11 दे, टू ओवर 11, हुण एक्स नूं एज इट इज़ लिखांगे प्लस माइनस माइनस सिक्स ओवर 11 इक्वल्स टू टू ओवर 11, हूँ एक्स एज इट इज़ रहेगा टू ओवर 11 राइट हैंड साइड पर आ, हूँ ए वाली टर्म नूं असीं किहड़ी साइड पर खड़ना राइट हैंड साइड पर, ए वाली टर्म इत्थे नैगेटिव दी आ राइट हैंड साइड पर जाएगी सिक्स ओवर 11 पॉजिटिव दी, हूँ साढ़े कोल नीचे दोनों डिनोमीनेटर की ने सेम ने की आया 11, हूँ उपर वाले न्यूमीनेटर नूं असीं की करना ऐड करना टू प्लस सिक्स, सिक्स विच टू प्लस किते एट ओवर 11, हुण एक्स की वैल्यू साढ़े कोल कितनी आई है एट ओवर 11। फोर्थ समा साढ़े कोल वट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ब्रैकेट स्टार्ट है माइनस वन ओवर टू, वन ओवर टू माइनस वन ओवर फोर ब्रैकेट क्लोज टू गैट माइनस वन ओवर फाइव। हुण असी एक नंबर लैना जिन्हों सबट्रैक्ट करना वा ए वाली टर्म तो बाद, सब तो पहले असी ए टर्म लिखांगे फ्रॉम जिहड़ा नंबर लवांगे उन्होंने की करना सबट्रैक्ट करना, तो टू गैट किहदे इक्वल करना माइनस वन ओवर फाइव दे। हुण असी सॉल्व करांगे लैट द सबट्रैक्टेड नंबर टू बी एक्स, केड़ा नंबर ही सबट्रैक्ट किया एक्स, हुण असी स्टेटमेंट की लिखनी है वन ओवर टू माइनस वन ओवर फोर ब्रैकेट, हुण माइनस करना ए नंबर एक्स इक्वल माइनस वन ओवर फाइव। सबट्रैक्शन दे विच जिहड़ी सानू टर्म दित्ती हुंदी ओह असी पहले डिजिट लिखदे आ, ते जिहड़ा असी नंबर नू लैट करदे आ सबट्रैक्ट करने वास्ते उहनू बाद चों लिखदे आ। हुण असी सब तो पहले ब्रैकेट नू सॉल्व करांगे, डिनोमीनेटर अलग लगा कि किस तरह करांगे एलसीएम ऑफ टू एंड फोर इक्वल किहदे आएगा फोर दे, एलसीएम कितना आया फोर, हुण उपर वाला न्यूमीनेटर कितना वन मल्टीप्लाई नीचे डिनोमीनेटर टू आ, डिनोमीनेटर नू ही एलसीएम नाल डिवाइड किया, टू नू फोर नाल डिवाइड करांगे तो कितना आएगा टू माइनस वन मल्टीप्लाई डिनोमीनेटर कितना फोर, एलसीएम भी फोर, फोर नू फोर नाल डिवाइड किया वन मल्टीप्लाई करता माइनस एक्स इक्वल माइनस वन ओवर फाइव। हुण असी की किया टू नू वन नाल मल्टीप्लाई किया टू माइनस वन वन मल्टीप्लाई किया वन ओवर फोर ब्रैकेट दे विच माइनस एक्स इक्वल माइनस वन ओवर फाइव, हुण टू चो वन माइनस किते वन ओवर फोर माइनस एक्स इक्वल माइनस वन ओवर फाइव, हुण माइनस एक्स एज इट इज़ आ -1/5 लैफ्ट हैंड साइड से 1/4 पॉजिटिव दवा राइट हैंड साइड दे जाएगा -1/4 केड़ा आ गया माइनस का हूँ 5 ते 4 का असी की करांगे फिर तो दोबारा असी इहदा की लैना वा 5 एंड 4 का क्योंकि डिनोमीनेटर अलग ने एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इक्वल आया 20 दे 5 ते 4 का एलसीएम कितना हुंदा 20 हूँ इक्वल टू नीचे लिखिया 20 -x हूँ उपर वाला न्यूमीनेटर साढ़े कोल कितना -1 मल्टीप्लाई नीचे डिनोमीनेटर 5 आ 5 नू एलसीएम 20 ना डिवाइड किया 5 नू 20 ना डिवाइड किया 4 माइनस उपर वाला न्यूमीनेटर 1 मल्टीप्लाई हूँ 4 डिनोमीनेटर आ 4 डिनोमीनेटर नू असी 20 एलसीएम ना डिवाइड करना 4 नू 20 ना डिवाइड किया साढ़े कोल आया 5 -x इक्वल्स टू 4 नू 1 ना मल्टीप्लाई किया 4 नाल साइन किहड़ा आया माइनस का -5 नू 1 ना मल्टीप्लाई किया 5/20 माइनस माइनस प्लस होंगे आ 4 5 प्लस किते 9/20 हुण वड्डा डिजिट केड़ा सी 5 उहदे नाल केड़ा साइन माइनस का की लगा -x दे नाल भी की आ माइनस हुण माइनस माइनस दोनों साइड ते आ कटे गए x इक्वल 9/20 तुहाडा की आएगा आंसर। एक्सरसाइज 5.3 दा ये होमवर्क आ फस्ट सैकेंड थर्ड तो फोर्थ सम ये सम मैं तुहानूं वीडियो च करवाए हुए आ पहले वीडियो ध्यान नाल देखना समझना तो सेम सम तुसीं अपनी होमवर्क कॉपी ते तुहाडे ये सम कंप्लीट होने चाहिए ने। एक्सरसाइज 5.3 तुहाडी कंप्लीट आ।